चुनाव आयोग के नियमों का खुलेआम उड़ाया जा रहा मजाक। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस बार की आचार संहिता के साथ ही लागू हुए हैं कोरोना वायरस से सतर्कता के नियम भी। जहां एक ओर रैलियों पर पाबंदी है तो वहीं दूसरी ओर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के नियमों का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। तस्वीरें सरेनी विधानसभा के कांजीखेड़ा गांव की हैं, जहां भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही सुधा द्विवेदी को आप साफ साफ भीड़ के बीच देख सकते हैं। हरचंदपुर विधानसभा से चाहे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए विधायक राकेश सिंह हो या सरेनी विधानसभा से भाजपा के लिए तैयारी कर रही सुधा द्विवेदी, दोनों ही नियमों का साफ साफ उल्लंघन कर रहे हैं। वैसे तो दोनों ही विधानसभा के तमाम नेता, फिर चाहे वह भाजपा के ही क्यों ना हो, सब ने अपने प्रचार प्रसार में कोरोना का ध्यान दिया है। परंतु इन नेताओं से ऐसी गलती क्यों हो रही है, इस पर उन्हें विचार करने की आवश्यकता है। हम आपको बताते चलें कि श्री फाउंडेशन के मुखिया मनोज द्विवेदी, दादाश्री की पत्नी सुधा द्विवेदी व 2 दर्जन से अधिक अज्ञात समर्थकों पर IPC की धारा 171A, 269, 270 व 188 में उप निरीक्षक लल्लू सिंह की तरफ से मामला दर्ज कराया गया है। सरेनी विधानसभा के RO आशीष कुमार मिश्र ने बताया कि सरेनी थाना क्षेत्र के कांजीखेड़ा गांव में सुधा द्विवेदी द्वारा समर्थकों के साथ आचार संहिता का उल्लंघन व कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, वहीं पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।